फ्रेंड्स वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, इस वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 12th NIS इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, 300 जो जिसका कोड है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जब से आप लोगों ने वो वीडियो देखी तभी से आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 2 नंबर वाले यानी शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे तैयार हो गए हैं, अब रहे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी आप लोग की काफ़ी लगातार कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो को तैयार करने में, मगर बिलीव मी गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और एग्जाम में इनके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। वैसे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, 2 में से केवल आपको 2 में से 1 ही सिलेक्ट करके उसी का आंसर अपनी आंसर शीट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। केवल उन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को आप तैयार कर लीजिए एंड बिलीव मी, वहीं से आपको एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप इन्हीं को जस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत मैटर करता है अगर आप अच्छे से इसका आंसर लिख देते हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड जिराड डिफीट इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर। ठीक है, तो जिराड ने जो इंट्रूडर की इंटेंशन थी उसको कैसे डिफीट किया, तो आंसर मैं दिखा देती हूँ। पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जस्ट आप जो है फटाफट से अपनी कॉपी लेकर सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा रही हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखते चले जाइए। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आंसर जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा इसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है कि 2-3 लाइन में ही आप इसको जस्ट फिनिश कर दोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं इंग्लिश के, तो उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिएगा, इस वीडियो पसंद आए पहले पूरी देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्माइल के साथ। चलिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मिलना ज़रूर मुझे और बताना वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड राहुल अप्रिशिएट द एजुकेशन सिस्टम फॉलोड ड्यूरिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल डेज। तो राहुल वाला ये चैप्टर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आंसर देख लीजिए। देखिए, अगर अभी तक आपके चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुए हैं इंग्लिश के, तो मैं सभी चैप्टर, काफ़ी सारे मतलब चैप्टर की समरी 12th NIS इंग्लिश चैप्टर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर 12th NIS के इंग्लिश चैप्टर भी मैं करवा रही हूँ और बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का देखने को मिलता है। कुछ चैप्टर करा दिए और काफ़ी सारे रह भी गए हैं अभी, तो देख लीजिएगा जो चैप्टर अभी पढ़े हुए हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं उनको, तो ये चैप्टर भी है वहाँ पर। सो आंसर देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है 12th NIS इंग्लिश की, होम साइंस की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 12th के कई सारे सब्जेक्ट हम लोग सिलेबस करा रहे हैं आप लोगों के, तो बेनिफिट उठाइए, चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ यहाँ पर हैं आपके लिए, आप देख कर अपनी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो केवल इतना ही नहीं जाएगा, तो बाकी आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसको। ठीक है, हाँ, इसके अलावा देखिए वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, घर बैठे आराम से प्रिपरेशन करिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए आप। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि जी हमें PDF फाइल चाहिए, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF फाइल चाहिए और अगर आपको ये वाले भी क्वेश्चन PDF फाइल के तौर पर आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। PDF फाइल के लिए नंबर है 7303838500, इस नंबर से जुड़कर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, वहां पर आपको NIS की सही और लेटेस्ट अपडेट्स हम देते रहते हैं। सो गाइज, यहां पर आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, आपको जस्ट ये लिखकर भेजना है कि मैम इस क्लास के और इस सब्जेक्ट की हमें PDF फाइल चाहिए। TMA के सोल्यूशन की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। अगर आप TMA के सोल्यूशन के लिए परेशान हैं कि जी TMA अपने कैसे तैयार करेंगे, तो 6 के 6 हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से और एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू लिखे हुए हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और उनकी PDF फाइल भी आपको इस नंबर के थ्रू मिल जाएगी। तो आप जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट गाइज, उसके लिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF फाइल चाहिए, तो PDF फाइल के लिए गाइज आपको यहां पर एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, और चार्ज होगा आपका 20 रुपीज का,
गाइज ये देखिए चार्ज भी क्यों है 20 रुपीज़ का। वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये PDF फाइल के लिए हमने चार्ज जस्ट इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे डेली बढ़ते जा रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी टीम को और ज़्यादा हम एक्सपेंड करें और ज़्यादा बढ़ाएं अपनी टीम को। हम काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो लगे रहते हैं आपके लिए काम करने में, काफ़ी मेहनत से आपके DMA के सोल्यूशन लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, 10 ईयर उठाकर उनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके तब उनके आंसर हम लोग जो है आपके लिए लेकर के आते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। सो अगर YouTube की बात करें तो पिछले 2 साल से हमें YouTube की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना हम अपनी टीम को भी बढ़ाएं। तो जस्ट उसी के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए इन लॉन्ग क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा अमाउंट 20 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा आपको TMA के सोल्यूशन के PDF चाहिए, तो TMA के सोल्यूशन के PDF के लिए यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट का। देखिए ये आपकी चॉइस है, जस्ट मैंने बता दिया है आपको। अगर आपको वीडियो के थ्रू अपना काम पूरा करना है, चाहे TMA के सोल्यूशन तैयार करने हो, चाहे अपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हो, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। हाउ डिड डॉक्टर बेंसन रियलाइज दैट हिज सस्पिशन अबाउट इवेंस वॉज बेसलेस। तो आंसर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। अपने नोट्स बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए आप लोग, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। गाइज वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, एंड इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, अगर आपको लगे आपकी हेल्प हुई है, हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ी सी भी कारगर साबित हुई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। सो गाइज यहाँ तक आपका जो है ये आंसर हो जाता है, फिट थर्ड क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बेल आइकॉन को प्रेस करके जो उसमें ऑल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना, जितनी भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाएगा। एंड गाइज इसके अलावा हमने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, NIS का भी, CBSE का भी, लेकिन जस्ट अगर आपको इंग्लिश लर्नर बनना है, इंग्लिश का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, चाहे NIS का हो चाहे CBSE का हो, तो इसके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। चैनल का नाम गाइस क्या है, लर्न इंग्लिश। सो लर्न इंग्लिश चैनल, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर सिलेबस वहां पर हम कवर करा रहे हैं। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज एक बार लर्न इंग्लिश का भी विजिट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पर भी आपको यूजफुल वीडियोस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लर्न इंग्लिश पर भी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ट्रूथ आराधना वांटेड टू फाइंड आउट एंड व्हाट डिड शी एक्चुअली डिस्कवर। आंसर दिखा देती हूं मैं आपको, शी मस्ट नो द ट्रूथ, आई मस्ट नो द ट्रूथ, ये चैप्टर का नाम है। सो गाइस आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक बार और दिखा देती हूं आपको। सो आराधना से आंसर स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, और फिर आधा आंसर आपका ये यहाँ से यहाँ तक है। फटाफट से अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए 12th NIS के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखा देती हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी एंड व्हाट मेजर चैलेंज डज द यूज ऑफ विंड एनर्जी पोस्ट टू मैन। आंसर देख लीजिए, इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर अगला पेज स्टार्ट हो रहा है। हमारा वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके कहीं डाउट आ रहा है तो हम बता भी सकते हैं। आप लोग आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट होता है अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी होता है, अच्छा लगता है जब आप कोई भी फीडबैक अपना शेयर करते हैं। कुछ कमी लगती है तो हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो मज़ा आ जाता है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फटाफट से लिख लीजिए, और यहाँ पर आपका ये आंसर भी होता है फिनिश। 5वां क्वेश्चन आपका डन। 6ठा क्वेश्चन है गाइज, यहाँ भोली वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोली इज मीटिंग विद हर टीचर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, गिव डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। आंसर दिखा देती हूँ आपको मैं, आंसर स्टार्ट हो रहा है गाइज हमारा यहाँ से, और फटाफट से आप जो है जल्दी से अपनी कॉपी खोल कर बैठ जाइए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए आप अपने, ठीक है। शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी हमारा ये चल रहा है आंसर, सो और आंसर फिनिश्ड हियर, यहाँ पर हमारा आंसर होता है ये फिनिश। चलिए 7वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। हाउ डिड गावस्कर्स अंकल सेव हिम फ्रॉम लिविंग एज अ फिशरमैन्स सन एंड हाउ वॉज दिस अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। माई फर्स्ट स्टेप, पहला ही चैप्टर है जो आपको लर्न इंग्लिश चैनल पर भी मिल जाएगा और हमारे इस चैनल पर भी मिल जाएगा। अपने अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं इस चैप्टर को आप, आंसर देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ये। चलिए ठीक है,
तो जल्दी जल्दी अपनी नोट्स तैयार करें और फीडबैक बताइए अपना आपको कैसा लगा। TME के सोल्यूशन भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, पाई स्टडी सर्कल चैनल है, यूट्यूब पर आइए जुड़ जाइए, ठीक है। पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कूल वीडियोज़ मिल जाती हैं, तो पाई स्टडी का सदस्य बनने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा ताकि बहुत अच्छी अच्छी स्कूल वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। 8वां क्वेश्चन है गाइज हमारा, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया दैट नेहरू रेफर्स टू विद प्राइड, मेंशन एनी थ्री। तो आंसर आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेहरू वाला चैप्टर है इंडिया इट्स पास्ट एंड इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट, ऐसा करके कुछ चैप्टर है ये। सो यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिखते जाएंगे गाइज, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। 9 क्वेश्चन है, गिव 3 रीजन व्हाई टेम्बू वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, टेम्बू और टाइगर इन द टर्नल, ये चैप्टर का नाम है। तो मैं दिखा देती हूँ आंसर, या आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फटाफट से वीडियो ख़त्म कर देती हूँ वरना बहुत लंबी वीडियो बैठ जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि मैम इतनी लंबी वीडियो क्यों शूट किया आपने। सो ABC करके यहाँ पर आंसर है, जल्दी जल्दी से कॉपी में जल्दी वीडियो का पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं फटाफट फटाफट। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम सुनील गावस्कर एज अ क्रिकेटर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय फर्स्ट स्टेप हमारा, एक नए क्वेश्चन यहां से आपका बन ही जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो गाइस यहां से यहां तक आपका ये स्टार्ट हो रहा है सुनील गावस्कर वाला, तो दिखा देती हूं आपको मैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप तैयार करिए। बहुत बार ठीक है बोलती हूँ मैं आप बच्चे कमेंट करेंगे इसी चीज़ का कि मैम बहुत ठीक है बोलते हो आप, हो जाता है मुझसे, मतलब निकल जाता है कभी कभी। चलिए अब नहीं बोल रही मैं, तो यहाँ तक आपका ये होता है क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश। 10 क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन के जी हम इनको कैसे तैयार करें, तो 10 फिर भी इतने ज़्यादा नहीं होते, एक चैप्टर के तो 2-3 मतलब रिपीट भी हो रहे हैं। सो गाइस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, 10 भी नहीं कर पाते, 6-7 भी अगर आप कर लेंगे ना वहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का क्योंकि क्वेश्चन है मिल ही जाएगा। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी करिए, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, 12th का इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपका हम करवाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट, कॉमेंट सेक्शन में मिलकर बताइएगा, फीडबैक शेयर जरूर करिएगा, एंड कीप स्टडी इन पाई स्टडी। एंड गाइज लर्न इंग्लिश चैनल जो है हमारा उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको PDF फाइल चाहिए तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपको छोटा सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, नंबर मैंने आपको बताया था 7303838500, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर TME के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हम करा देंगे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।